जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर जो निर्माणाधीन है, इसके पश्चात भी ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को देखते हुए ये आवश्यक है कि जबलपुर जैसे महानगर में और भी फ्लाईओवर्स बने। और इसके लिए पिछले दिनों लगातार मैंने इनके संभाव्यता अध्ययन कराए हैं और उसके आधार पर कुछ जगह जो चिन्हित हुई है उनमें फ्लाईओवर्स का निर्माण हो, उस दृष्टि से आज हम सभी इनका निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। एक फ्लाईओवर जो तय किया है वो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में साई मंदिर आदर्श नगर के पास से शुरू होकर, और साई मंदिर आदर्श नगर नहीं, साई मंदिर की अपना पंचशील नगर के पास से शुरू होकर और फिर वो बंदरिया तिराहा से अनगल मंदिर, और एक रैंप अनगल मंदिर की तरफ जाएगा, दूसरा हिस्सा उसका जाएगा हवाबाद कॉलेज के पास, और साथ में एक रैंप उसका रामपुर चौराहे से FCI या MPV की तरफ और एक केशरवानी स्वीट्स की तरफ रामपुर में। तो ट्रैफिक की जो बड़ी अव्यवस्था वहां पर है उससे लोगों को बड़ी संख्या में राहत मिलेगी। उसके पश्चात दूसरा जो फ्लाईओवर है वो होटल ऋषि रेजेंसी के पास से पर्यटन चौराहा कलेक्ट्रेट चौराहे से हाईकोर्ट के सामने से होते हुए घमापुर चौक और वहां से निकलकर रद्दी चौक तक, और रद्दी चौक के पास में दो रैंप उसके, एक दमोनाका की तरफ और एक कटनी रोड पर, ऐसे दो रैंप बनेंगे, वो भी लगभग 3.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई का होगा। तीसरा बिरसा मुंडा चौराहा आधारताल, जो चौराहे पर अत्यधिक ट्रैफिक के कारण परेशानियां होती हैं, वही सब्जी मार्केट भी है, तो वहां पर भी लगभग 700 या 800 मीटर लंबा एक फ्लाईओवर वहां पर उसके बारे में विचार किया है। और एक पेंटी नाका पर